कांग्रेस ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश की 144 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। कांग्रेस की इस घोषणा के साथ ही कई विधानसभा सीटों पर कलह और मतभेद के सुर सामने आने लगे हैं। कई जगह बागी प्रत्याशियों ने इस्तीफे दे दिए तो कई जगह कांग्रेस के नेता नाराज हैं। ये तस्वीरें भोपाल की हैं और यहाँ बड़ा मलहरा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट मांग रहे रक्षपाल यादव अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। रक्षपाल यादव और उनके समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की है और बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई गई रामसिया भारती की टिकट को बदले जाने की मांग उठाई है। रक्षपाल यादव का कहना है कि बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रद्युम्न सिंह लोधी को टिकट दिया है और कांग्रेस ने रामसिया भारती को टिकट दिया है जो कि लोधी समाज से ही आती हैं। इस सीट पर लगभग 47,000 यादव मतदाता हैं जिन्हें टिकट से दरकिनार किया गया है। रक्षपाल यादव का ये भी कहना है कि रामसिया भारती उपचुनाव में 18,000 वोट से प्रद्युम्न सिंह से चुनाव हार चुकी हैं। ऐसे में दोबारा उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है? सुनिए विरोध और बगावत करने पहुंचे रक्षपाल यादव क्या बोले। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से मिला और उनसे मैंने मलहरा 53 मलहरा विधानसभा सीट जिला छतरपुर की सीट जो घोषित हुई है उस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि इसमें यादव समाज खास तौर से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो मैं यादव समाज के लोगों को कहीं ना कहीं से इनको निश्चित तौर पर उनका हक बनता है वहाँ टिकट दिया जाए। टीकमगढ़ ज़िले में भी इन्होंने बगल की सीटों पे नहीं दिया, जबकि वहाँ हम लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा टीकमगढ़ ज़िले में, छतरपुर ज़िले में। तो सभी लोग, हम लोग यादव समाज के लोग हैं, अन्य समाजों के लोग भी हैं, कि हम लोग को टिकट दिया जाए यादव समाज की। तो बड़ा मलहरा से जिनको टिकट दिया है वो क्या कांग्रेस पार्टी से नहीं है, क्या दूसरी पार्टी से है, क्या कारण है? या वो पिछले उपचुनाव में उपचुनाव में 18,000 वोटों से हार गई थी चुनाव इन्हीं प्रद्युम्न सिंह जी से, जो दल बदल करके भागा था जी। प्रद्युम्न सिंह जो विधायक है, ये दल बदल करके चला गया था और जो उनसे वो हार गई थी उपचुनाव में, वो उन्हीं को इन्होंने फिर लोधी वर्ष लोधी समाज को ही उन्होंने फिर टिकट दे दिया माननीय अध्यक्ष जी ने। तो हम लोग इसका विरोध के साथ, लोधी अगर वो है बीजेपी वाला तो उसके सामने यादव समाज को, क्योंकि हमारी जात के सबसे ज़्यादा वोटर हैं वहाँ, 47,000 वोटर हैं। लोधी समाज कितने हैं? 45,000। तो आपको टिकट मिलना चाहिए जी। मेरा हक, यदि नहीं देते हैं आपको टिकट, पुनर्विचार नहीं होता है, फिर तो पूरा यादव समाज हम लोग बैठ करके कोई ना कोई निर्णय लेंगे, विकल्प और अन्य कोई विकल्प ला सके। चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी जाएंगे? नहीं नहीं, मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। मैं जो है कुछ ना कुछ पहले समाज के लोगों से बैठ के सलाह लूँगा कि अगला क्या स्टेप है, क्योंकि हमारे कई अगल बगल के विधानसभा क्षेत्र के लोगों अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग कोई नया रास्ता चुनेंगे। कमलनाथ जी से भी मिले हैं क्या, कुछ आश्वासन दिया जी? अभी मैं मिला था अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने ये कहा कि हम आपकी हमेशा मदद करेंगे और आप अभी इनकी रामसिया जी की मदद करिए, तो मैंने हमने उसके लिए सहमत नहीं है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रक्षपाल सिंह यादव है, मैं मलहरा 53 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट चाह रहा था।